Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं रमजान स्पेशल तंदूरी मैक्रोनी चिकन कबाब, आई मीन कटलेट। आप कबाब भी बना सकते हैं, मैंने बताया है कबाब का भी। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए एक बड़े से बाउल में श्रेड करी हुई, बॉईल करी हुई आधा कप चिकन डाल दीजिए। अच्छा, इसमें कुछ नहीं, मैंने पानी डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बॉईल कर लिया था। जब एक टेबलस्पून जितना पानी बचा तब तक चिकन भी गल गई, चूल्हा बंद कर दिया, ठंडा होने पर इसे श्रेड कर लिया। अच्छा, ये आधा कप बॉईल करे हुए मैक्रोनीस थे, पास्ता और ये सारी सब्जियाँ हैं। इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून भरकर बॉईल करे हुए कॉर्न्स, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, येलो वाला पीला शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज और 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर, आप गाजर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ ग्रीन शिमला मिर्च और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लाल शिमला मिर्च, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच ऑरेगानो डाल सकते हैं या फिर मिक्स्ड हर्ब डाल दीजिए, मैं ऑरेगानो डाल रही हूँ, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 4 से 5 टेबलस्पून तंदूरी मायोनीज डाल रही हूँ, या आपको मैं वीबा की डाल रही हूँ, कोई भी कंपनी की मिल जाएगी। मैंने 4 डाली है अभी फिलहाल और 2 टेबलस्पून टमाटर सॉस डाला है, और ये तकरीबन समझिए ना आधा कप खुरची हुई चीज़ है। चीज़ आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, पिज्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो कुछ कम या ज़्यादा लगे तो एडजस्ट कर लीजिए, नमक वगैरह, स्पाइस वगैरह। अच्छा, मुझे मायोनीज थोड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पर मैं 2 छोटी चाय के चम्मच मायोनीज के डाल देती हूँ, वही तंदूरी वाला मैंने वीबा का था ना, आप कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं, और 2 छोटी चाय के चम्मच टमाटर सॉस डाल दिया मैंने, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए। आप भी जो चीज़ एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर लीजिए, नमक देख लीजिएगा, कम लगे तो डाल दीजिए। अब कुछ ब्रेड के चारों साइड से इकट्ठे काट दीजिए, और सबसे पहले तो एक साफ पानी लीजिए और एक ब्रेड को उसमें डालें, और इस तरीके से डालने के बाद हाथों की मदद से बहुत अच्छे से प्रेस करके पानी सारा निकाल लें, और 1 टेबलस्पून भरकर आप हमारे जो मायोनीज मिक्सचर है ये डाल दीजिए, और इसे आप बना लीजिए एक कटलेट शेप, देखिए इस तरीके से। नहीं नहीं कोई डरिए मत, आपको लग रहा है कि यहाँ से खुला हुआ है फट जाएगा, फ्राई करने के टाइम पे दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे के प्रोसीजर से आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कुछ ऐसा खुला हुआ था। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो आप बना कर साइड पर रखते जाइए, ये नॉर्मल सादा पानी है और साफ पानी है, इसमें डालते जाए बनाकर साइड पर रखते जाए, हमारे कटलेट का शेप देते जाए इस तरीके से। आप चाहें तो कबाब का शेप भी दे सकते हैं और इसे साइड पर रखते जाए। चलिए ये मैंने सारे कटलेट्स बना रही हैं मैक्रोनी वाले, तो अब इसे आप आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें सो दैट मैनेजेबल हो जाए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर 5-6 टेबलस्पून भरकर मैदा डालें, चुटकी भर नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसा मिक्स कीजिए कि गुठलियाँ ना रहे, और टेक्स्चर और कंसिस्टेंसी ऐसी बनाइएगा इस मिक्सचर की कि एकदम पतला भी ना हो और एकदम गाढ़ा भी ना हो, इस तरीके से। अब 1 घंटा हो चुका है, मैनेजेबल हो गए हैं, तो अब हमने ये जो लिया है मिक्सचर मैदे का उसमें उलट पलट करें, और उसके अच्छे से चारों ओर से उलट पलट करें, साइड से भी करें, उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स में डालें और ब्रेड क्रम्स से भी बहुत अच्छे से वेल कोट चारों ओर से करें, और ये बन गया हमारा एक कटलेट। इसी तरीके से सारे कटलेट बना लीजिए। अब हम आते हैं वो जो खुले खुले से जो लग रहे थे कि उनमें से निकल ना जाए, उसका डर था, तो मैंने क्या किया, इनिशियल जो मुझे ऐसे लग रहे थे कि खुले खुले से ऐसे लग रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, बैटर थिक रखा है, इनिशियल स्टार्ट वाले उसको थोड़ा थिक बैटर रखा, उससे सारे को बना लिया, डिप करके ब्रेड क्रम करके रख दिया, फिर मैंने पानी डाला और उसकी मीडियम कंसिस्टेंसी, जो ना ही थिक ना ही थिन की कंसिस्टेंसी बनाई, और उसमें उलट पलट किया, डिप किया, और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने इस तरीके से साइड पर रखते गई। तो आपने देखा कि कोई भी, अभी आप मेरे देख सकते हैं कटलेट कोई भी खुले हुए नहीं दिख रहे हैं आपको। और दूसरा तरीका ये है कि आप मीडियम कंसिस्टेंसी का ही बनाएं, एक बार आपने ये जो मिक्सचर में डाल दिया मैदे के और ब्रेड क्रम्स लगा लिए, फिर आप सेकेंड टाइम भी कोट करके फिर से ब्रेड क्रम लगा सकते हैं, तो 2 कोटिंग कर सकते हैं, बट मैंने वैसा नहीं किया और मैंने दूसरा वाला वे किया, दोनों ही वे सही है। तो चलिए ये सारे बन चुके हैं, अब आप देख सकते हैं
बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, जैसे हल्का हल्का दिख रहा था ना, कहीं से कॉर्न्स दिख रहे थे, कहीं से क्या दिख रहा था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है एकदम परफेक्ट कटलेट बन चुके हैं हमारे। और अब इसे आपने अभी फ्राई करना है तो आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर फ्राई करें। और अगर आपने डीप फ्रीज करके रखना है तो 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें दोनों थाली को एज इट इज। और 1-1.5 घंटा हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो नीचे बटर पेपर लगाइए, फिर हमारे ये जो कटलेट्स हैं ये सारी लगा दीजिए लाइन सर, फिर से एक बटर पेपर रखिए, फिर से हमारी कटलेट्स की लाइन बिछा दीजिए, फिर से बटर पेपर रखकर फिर से लाइन बिछा कर कटलेट की ढक दीजिए और इस एयर टाइट कंटेनर को फ्रीजर में रख दें। आप तकरीबन 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर ना हो तो आप जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में एक के ऊपर एक डालकर मत रखिएगा, बराबर में साइड बाय साइड रखिएगा और जिप लॉक कर फिर फ्रीजर में डाल दीजिए। मैं थोड़े फ्रीज कर रही हूँ और थोड़ों को मैं ये वालों को अभी बना रही हूँ, तो मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ इन्हें। चलिए आधे पौने घंटे के बाद एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लीजिए। तेल अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी 2-3 कटलेट एट अ टाइम डालें और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई होने दें। कुछ सेकेंड्स हो जाए तो उलट पलट करते हुए इसे मीडियम आंच पर पका लें। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बाहर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे, वैसे अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई है, तो इसे निकाल लें और छन्नी के ऊपर साइड पर रख दें। टिश्यू पेपर के ऊपर बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो हल्के हल्के सॉफ्ट नरम पड़ जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अब इन्हें निकाल लीजिए, साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बैचेस में मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। चलिए मैंने जितने निकाले थे वो सारे फ्राई कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं, और ज़्यादा ऑयल भी हाथ में लग नहीं रहा है। अच्छा अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़्यादा गर्म है कटलेट, बाप रे माशाल्लाह क्या मज़ेदार लग रहे हैं। और सच पूछे तो टेस्ट इतने मज़ेदार है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। इनफैक्ट मैंने, आपने देखा मैंने कबाब शेप में भी बनाया था, ये देखिए क्या मज़ेदार लग रहे हैं। वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। बच्चों के लिए बनाएं तो स्पाइस कम डालिएगा, या आप भी कम स्पाइस खाते हो तो स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की, बड़ा मज़ा आया होगा आपको देख के भी, और ऐसा लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी बनाएं, ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने, फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंतिल दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।